उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी के नेता शामिल नहीं हुए। वही अधिकारियों के साथ हुई बैठक में समय से विधेयक प्रस्तुत करने का निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये तो हम आग्रह ही कर सकते हैं माननीय सदस्यों से और दल के तमाम नेताओं से कि निश्चित रूप से प्रश्नकाल को बाधित न करें। ये एक प्रश्नकाल का विषय भी है और माननीय सदस्यों का उपस्थिति का भी विषय है। आपने देखे होंगे पिछले दिन देश के प्रधानमंत्री जी भी इस विषय पर गंभीर थे और नाराज भी थे कि लोग सदन में उपस्थित भी नहीं रहते हैं। इसलिए मेरा भी मानना है, जब हम लोग सदन के लिए चुनकर आते हैं तो हर हाल में जो जनता का सवाल है उसको बाधित नहीं करना चाहिए। यही हमारा आग्रह रहेगा माननीय सदस्यों के प्रति। गठित पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तम शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है, जो 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये सत्र 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2021 तक चलने वाले हैं। और इसी के संदर्भ में आज सारे दल नेताओं से बैठक हुआ। इस औपबंधिक कार्यक्रम के विषय पर सारे लोगों ने इस पर चर्चा किए और चर्चा करने के बाद लोग निर्णय लिए कि हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों के पास सरकारी जो विधेयक है वो कितने आ रहे हैं। चूँकि उसका समय अभी भी बचा हुआ है, इसलिए विधेयक आने के बाद हमें इस अंतराल में कितना समय मिलता है और जितना समय मिलेगा उस समय के अनुसार राज्य हित के कुछ विषय जो आएंगे उनको हम लोग समाहित करने के लिए मैंने समय निर्धारित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कार्य मंत्रालय की एक बैठक बुलाई थी और जो शेड्यूल था वो शेड्यूल के संदर्भ में चर्चा हुई है और कार्रवाई सदन के अंदर की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ बातों पर
कुछ बातें आई है कि इन सब बातों को भी टेकअप किया जाए, क्योंकि जो समय दिख रहा है उस समय में कुछ चीज़ें अभी बता पाना मुझे लगता है कि मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, वो तो विधानसभा ऑफिस से ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से वो समय निकाल रहे हैं और किन किन चीज़ों को समाहित करने का निर्णय लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज तो विपक्ष के साथी तो नहीं नज़र आए, अब वो आते हैं तो वो उनका क्या मुद्दा आता है उसके अनुरूप आगे। सर प्रश्नकाल हमेशा नहीं चल पा रहा है, प्रश्नकाल को लेकर 5 कार्य दिवस है और शीतकालीन सत्र छोटा ही सत्र हुआ करता है। सरकार के जो विषय रहते हैं, जैसे सरकार को अनुपूरक बजट लाना है, सरकार अनुपूरक बजट ला रही है, फिर माननीय विधायकों के जो अधिकार है प्रश्नों को रखने का, सारे विधायक अपने प्रश्नों को रखेंगे। तय मोटे तौर पर यह आज हुआ है कि भाई जो अनुपूरक बजट पर बहस एक दिन का है, अभी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि सरकारी राजकीय विधेयक के एक दिन का समय राजकीय विधेयकों के लिए रखा गया, अपने पर्सनल विधेयक रखने का उसको रखते हैं। तो अगर राजकीय विधेयक स्पष्ट हो जाए इसके लिए तारीख फिर 16 को कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। अगर कम विधेयक हो तो हम सब चाहते हैं कि यह जो अनुपूरक बजट की चर्चा है इसको 2 दिन की जाए, ताकि इतने लंबे समय के बाद अगर विधानसभा चलता है तो जो विधायक क्षेत्र में राज्य में आम जनों से मिलकर जो अनुभव करते हैं, जो सरकार में कमी है, जो सरकार ने करने का प्रयास किया नहीं हो पाया, उन चीज़ों को सरकार के सामने रख पाए, तो हमें ऐसा लगता है कि यह 16 को इसका सही रूप हो पाएगा कि सच में सरकारी राजकीय विधेयक कितने उस पर निर्भर करेगा। अभी तक जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।